मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब उत्तर भारत में मॉनसून के आने का इंतजार है। फिलहाल उत्तर भारत में पारा आसमान छू रहा है, लेकिन मॉनसून की रफ्तार बता रही है कि जल्दी ही मॉनसून की आहट यहां भी सुनाई देगी। जी हाँ, इस साल गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार लग रहे हैं। मॉनसून की बुलेट रफ्तार जल्द ही गर्मी से प्रभावित राज्यों में राहत की बारिश लाने वाली है, लेकिन इस बीच दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में पारा बढ़ने के भी आसार हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में मॉनसून ने दस्तक पहले ही दे दी है। अब उत्तर भारत में मॉनसून की पहली बारिश का इंतजार है। उत्तर भारत में फिलहाल पारा आसमान छू रहा है। गर्म हवा और सूरज की तपेश लोगों की मुश्किल को बढ़ा रही है। इस साल गर्मी से जल्द राहत मिलने के आसार लग रहे हैं। मॉनसून के बुलेट रफ्तार जल्द ही गर्मी से प्रभावित राज्यों में राहत की बारिश लाने वाली है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मॉनसून मेहरबान होता दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। केरल से चला मॉनसून मुंबई तक पहुंच गया है। मॉनसून की एंट्री के से ज्यादातर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में मॉनसून से झमाझम बारिश हो रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मॉनसून ने एंट्री कर ली है और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में मॉनसून की एंट्री से गुजरात में प्री मॉनसून बारिश की शुरुआत भी हो गई है। वहीं इन दिनों पूरे दक्षिण भारत में मॉनसून से राहत है। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वेरी हैवी रेनफॉल ही दिए हैं हम मेनली साउथ कोंकण, साउथ और सेंट्रल कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ कर्नाटका एंड नॉर्थ कोस्टल कर्नाटका, ये पूरा रीजन में आज ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। और बाकी मॉनसून यहाँ तक एडवांस कर चुके हैं, जैसे आपने बताया 9 तारीख को ये एडवांस कर चुकी थी। आज हमने 10 तारीख को हमारा मॉनसून का लाइन और थोड़ा सा एडवांस किया है। अभी मॉनसून का जो लाइन जा रही है वो दहानू, नासिक, औरंगाबाद से होते हुए पुराना लाइन निजामाबाद तेलंगाना में वहां से ईस्ट की तरफ जा रही है। अगले 2 से 3 दिन में हमारी उम्मीद है कि मॉनसून और थोड़ा सा एडवांस कर सकती है वेस्ट की तरफ, जैसे साउथ गुजरात और महाराष्ट्र का थोड़ा और हिस्से में आ सकती है। दक्षिण के कई राज्यों में मॉनसून आ चुका है। इसके चलते केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मॉनसून जून के अंतिम दिनों में आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश में 15 जून को मॉनसून पहुंच सकता है, लेकिन मॉनसून की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मॉनसून यहां भी समय से पहले पहुंच सकता है। वहीं 15 जून के आसपास ही झारखंड और बिहार में भी मॉनसून पहुंच सकता है, लेकिन संभव है मॉनसून की बुलेट रफ्तार का असर यहां भी दिखाई दे। वहीं हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में मॉनसून 25 जून को दस्तक दे सकता है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून जैसे दक्षिण भारत में समय से पहले पहुंचा है, यहां भी अनुमान तारीख से पहले ही पहुंच सकता है। वहीं गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली और एनसीआर को 27 से 30 जून के आसपास मॉनसून से राहत मिलने वाली है, लेकिन संभव है यहां भी कल समय से पहले ही मॉनसून पहुंच सकता है। इस एक एक सर्ज में मॉनसून काफी एडवांस कर जाता है, उसके बाद एक थोड़ा सा हायटस पीरियड रहता है, दोबारा नेक्स्ट सर्ज में आगे बढ़ती है। तो अभी का जो सर्ज है, अभी हम रोज ही मॉनिटर कर रहे हैं, सिर्फ रेनफॉल नहीं, हम विंड्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, कैसा वेदर सिस्टम्स बन रहा है उसके भी मॉनिटर करके तब हम मॉनसून का लाइन एडवांस करते हैं। तो अभी दिल्ली के लिए नॉर्मल डेट है आपका 29 जून, तो अभी आपका ये मॉनसून एडवांस में टाइम है, हम मॉनिटर करेंगे। अरब सागर में मॉनसून की शाखा मजबूत बनी हुई है, इसी वजह से मॉनसून पश्चिमी से दक्षिण की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि आने वाले 4 से 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी भारत में लू के हालात जारी रहने की संभावना है।
मुंबई में दो दिन पहले ही मॉनसून हिट हो चुका है, मॉनसून ने दस्तक दे दी है। वहां पे फिलहाल अभी रेड से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, वहां पे अभी बारिश रेनफॉल एक्टिविटी काफी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम मॉनसून की दिल्ली की में बात करें तो दिल्ली में फिलहाल 29 जून की तारीख है जो मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है कि मॉनसून तब तक हिट हो सकता है, तब तक दस्तक दे सकता है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली में कोई बारिश जैसी ऐसी कोई संभावना नहीं है। लोगों को, दिल्ली वासियों को अभी इस भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। उत्तर भारत में भले ही सूरज की तपिश जोरदार है लेकिन मुंबई में राहत की बारिश हो गई है। रविवार देर शाम मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश ने मुंबई वालों को भिगो दिया है। बिल्कुल, जिस रफ्तार से मॉनसून ने केरल में दस्तक दी थी उसी रफ्तार से वो मुंबई तक पहुंच गया है। गुजरात में भी प्री मॉनसून बारिश हुई है। मॉनसून की स्पीड से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत में भी मॉनसून समय से पहले पहुंच सकता है। मॉनसून की दस्तक के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हर बार की तरह इस बार भी पानी पानी हो गई है। रविवार देर शाम और रात में हुए तेज बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने की बजाय रेंगती नजर आ रही हैं। सड़कों पर वाटर लॉगिंग की वजह से वाहन चालकों को और भी कई दिक्कतें पेश आ रही है। सबसे ज्यादा चुनौती बाइक सवारों के लिए हो रही है और उन्हें काफी संभल कर बाइक चलानी पड़ रही है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो सड़क के इस पार से उस पार जाना दूभर हो गया है। दादर, हिंदमाता, विक्रोली समेत तमाम इलाकों का यही हाल है। सड़कें तालाब बन चुकी है। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के बाद शुरू हो गया है मुंबई में जल जमाव की समस्या। तेज बारिश के बाद गांधी मार्केट के इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। इस जो जल जमाव के बाद एक बेस्ट की बस है वो भी बंद पड़ गई है। वही दूसरी तरफ कई बाइक सवार ऐसे है, बाइक ऐसी है जो बंद हो गई है। जो तस्वीर में देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में इसी तरह मुंबई में और तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मुंबई के चिंतादिल लोग इस मुसीबत को भी एंजॉय कर रहे हैं। नायगांव के बीचे देवरुखकर मार्ग पर नौजवान और बच्चे बारिश के दौरान सड़कों पर निकलकर मस्ती करते नजर आए। ये लोग रेन बाथ और रेन डांस का लुफ्त उठा रहे हैं। वहीं गांधी मार्केट में भी कुछ युवा बाइक रोककर सड़कों पर बारिश का लुफ्त उठाने लगे। ये लोग बीच सड़क पर अपनी बाइक रोककर रेन बाथ को एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल मॉनसून के दौरान वाटर लॉगिंग और ट्रैफिक कंजेक्शन मुंबई की पुरानी समस्या है। हर साल मॉनसून के दौरान मुंबई की सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती है, इसीलिए मुंबई के लोगों ने इस समस्या को अपनी नियति मान ली है। इसीलिए वो इस आपदा को अब अवसर में तब्दील करने का हुनर सीख गए हैं। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में एक तरफ मॉनसून ने दस्तक दे दी तो दूसरी तरफ मुंबई वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है। मुंबई के लोगों को अब ट्रैफिक से निजात मिलने वाली है। मरीन ड्राइव से हाजी अली तक का सफर अब और आसान हो जाएगा क्योंकि आज कोस्टल रोड के दूसरे हिस्से का उद्घाटन कर दिया गया है। मरीन ड्राइव से हाजी अली के बीच कोस्टल रोड की दूरी 6.25 किलोमीटर की है। ये दूरी रोड से तय करने में अभी 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इसके खुलने से ये दूरी महज 7 मिनट में ही तय की जा सकेगी। आम लोगों के लिए गाड़ियों की आवाजाही कल यानी 11 जून से शुरू हो जाएगी। सुबह 7 से रात के 11 बजे तक यानी 16 घंटे यातायात की अनुमति होगी। इस वक्त मुंबई के कोस्टल रोड का जो फेज 2 में नया रोड खुला है, हम वहां से पास हो रहे हैं। अरेबियन सागर के नीचे से ये टनल है, जिस टनल से इस वक्त हम लोग पास हो रहे हैं। अब ये रोड खुलने के बाद मरीन ड्राइव से वर्ली 8 से 10 मिनट में सफर तय किया जाएगा, जो कि ट्रैफिक टाइम पे
कभी कभी 30 से 40 मिनट भी लगते थे। ये बात सही है कि अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है वर्ली सी लिंक और मुंबई कोस्टल रोड को। एक बार वो हो जाएगा अक्टूबर में तो ट्रैफिक और भी अच्छे से फ्लो होगी। फिलहाल पहला कोस्टल रोड 2 महीने पहले खुला जो कि वर्ली से मरीन ड्राइव 8 किलोमीटर लंबा था, और अब ये मरीन ड्राइव टू वर्ली जो रोड खुला है ये 6.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पर वर्ली में आप बाहर निकलेंगे, वर्ली नाका होते हुए आप बैंड्रा सीलिंग जा सकते हैं, जहाँ से बैंड्रा की तरफ मुंबई उपनगर की तरफ जाया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से सारी एक मॉडर्न फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे टनल्स जो बनाए गए हैं, 3 लेन टनल है, 1 साइड 6 लेन रोड्स ये दिख रहा है, इमरजेंसी सर्विसेज है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ख्याल रखा गया है, और इन सारी मॉडर्नाइजेशन के साथ मुंबई को एक और कोस्टल रोड का हिस्सा मिला है जो कि 6.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि मरीन ड्राइव सेव वर्ली का जो प्रवास का वक्त है, समय है, वो 8 से 10 मिनट में पूरा कराएगा। एक तरफ मॉनसून की आहट है तो दूसरी तरफ सैलानियों की भीड़। शिमला हो या कुल्लू, यहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गर्मी से निजात पाने के लिए और गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए लोग टूरिस्ट जगहों का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, शिमला और कुल्लू में जहां लोग हसीन वादियां और प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं, वहीं गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार कर रहे हैं। चाहे गर्मी से निजात पाने की बात हो या गर्मी की छुट्टियां बिताने की बात, टूरिस्ट प्लेस इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो चुके हैं। शिमला, मनाली, कसौली, चायल, लाहौल स्पीति और किन्नौर सैलानियों से गुलजार है। वहीं विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। शिमला में इस वीकेंड पर भी पर्यटकों की तादाद में इजाफा देखा गया है। पर्यटक यहां के मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों की माने तो यहां की आबोहवा और मौसम सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। शिमला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक चल रही है। यहाँ के होटलों में वीकेंड के साथ साथ हफ्ते के अन्य दिनों में भी कमरों की बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में वीकेंड पर बुकिंग 90% के करीब है। हमारे होटल हैं कॉर्पोरेशन के, तो उसमें तो आज के लिए ऑक्यूपेंसी है, अभी जून में या मई एंड की बात करते हैं, वो लगभग 70-80% के आसपास चल रही है, और वीकेंड्स पे यही ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 90% के आसपास पहुंच जाती है। शिमला की तरह ही कुल्लू में भी सैलानियों की बहार है। हजारों की संख्या में पर्यटक गर्मी से बचने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं और हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ों के साथ साथ गर्मी की छुट्टियों में लोग गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार करने भी जा रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा सैलानी यहां आ चुके हैं। दूर दूर के राज्यों से सैलानी यहां आकर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार कर रहे हैं। गर्मियों का टाइम चल रहा है, हमें बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वेदर काफी अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और काफी प्लेजेंट एटमॉस्फियर है, आज मजा भी आ रहा है। लोग अब्रॉड जाते हैं और वहां जाके अपना देश का जो मनी जो है वहां पे वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि दिस इज द हाईएस्ट स्टेच्यू ऑफ द वर्ल्ड, एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। शिमला हो या कुल्लू या फिर नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पर्यटकों की बहार से यहां के कारोबारियों के चेहरे भी चमक गए हैं। वहीं गर्मी से निजात पाकर और पसंदीदा जगहों पर छुट्टी बिताकर पर्यटकों के चेहरों पर भी सुकून है। शिमला से विकास शर्मा के साथ, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चारधाम यात्रा को लेकर आपको बता दें, देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर साल यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में तो श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। यही नहीं, तीर्थयात्री यहां मिल रही सुविधाओं से भी बेहद उत्साहित हैं। यात्रियों का कहना है कि धाम में बाबा केदार के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं और वो अपने आप को यहां आकर धन्य महसूस कर रहे हैं। चार धाम में भक्तों की अपार भीड़ जुट रही है और भक्ति की बयार यहाँ हिलोरे ले रही है। अच्छी बात यह है कि चार धाम यात्रा एक बार फिर ट्रैक पर लौट आई है। एक महीने की केदारनाथ धाम की यात्रा ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। एक महीने में 7,80,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। धाम पहुंच रहे तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन करके बेहद खुश हैं। यात्रियों का कहना है कि उन्हें यहां पर अच्छे दर्शन हो रहे हैं, साथ ही धाम में रहने खाने साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है। यात्रियों का ये भी कहना है कि धाम अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है, बावजूद इसके यहां पर सभी तरह की सुविधाएं उन्हें मिल रही है। यहाँ पे अद्भुत दर्शन, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए। हम लोग 40 लोग मेंबर आए, सब फ्रेंड सर्किल है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग 16 लोग 17 लोग पैदल आए, बाकी कुछ लोग घोड़े पे आए। केदारनाथ की व्यवस्थाएं अद्भुत हैं, ये जगह अद्भुत है, प्रकृति का सानिध्य और इससे अच्छे भाव आपकी धरती पे कहीं नहीं लग सकते हैं। बीच में ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी धाम में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड के चारों धामों में से सबसे अधिक तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए ही पहुंच रहे हैं। धाम में सुबह से शाम तक भक्तों की लंबी कतार लगी दिखती है। ज्यादा से ज्यादा भक्त बाबा के दर्शन कर सके, इसके लिए केदारनाथ धाम 24 घंटे में से 23 घंटे खुला रहता है। धाम पहुंच रहे प्रत्येक यात्री को मंदिर से पहले टोकन दिया जा रहा है। टोकन मिलने के बाद ही यात्री 1 से 2 घंटे के भीतर बाबा केदार के दर्शन कर रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा अपने चरम पर है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा यात्रियों के लिए मार्ग पर व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। यात्रा के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं से यात्री भी खुश नजर आ रहे हैं। जो जाम वगैरह की जो स्थिति पहले बनी हुई थी वो अब सामान्य चल रहा है, कहीं पे भी कोई जाम की स्थिति नहीं है और यात्री जो भी आ रहे हैं सब खुश है। कोई दिक्कत कहीं पर? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। सिर्फ पुलिस की तारीफ कर रहे हैं? नहीं, सभी की तारीफ कर रहा हूँ, पुलिस की नहीं, सबकी है। हेल्प हेल्प। जिस तरह से श्रद्धालु चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड बना रहे हैं, सरकार और पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि अक्टूबर और नवंबर महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा इस बार एक नया ही रिकॉर्ड बनाएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम के यात्रियों का उत्साह तो आपने देख लिया। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने मां के दरबार की रौनक भी देख लीजिए। हिमाचल के मंडी में माता श्रीकारी देवी के मंदिर से भक्तों की अटूट आस्था है। मान्यता है कि जो भी भक्त मां की शरण में जाता है, मां उसके शरीर के सारे कष्ट हर लेती है। मां का ये इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जिसकी छत नहीं है। तो क्या है इस शक्तिपीठ का इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। माता शिकारी देवी के दरबार से कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। इस शक्तिपीठ में यही आस्था श्रद्धालुओं को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। हिमाचल के मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी पर बसे इस मंदिर से भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर सर्दियों में करीब 4 महीने तक बंद रहता है। अप्रैल के पहले हफ्ते में मंदिर के कपाट दोबारा से खोले जाते हैं और फिर यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाता है। छुट्टी के दाम 12-15 हजार आ जाते हैं, वैसे 5-7
हर दिन आते रहते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, माता के दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए हैं और बहुत सुंदर लगा, बहुत शांति प्रिय स्थान लगा। हाँ, माता के बारे में सुना था कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, तो इसीलिए हम आए हैं और दर्शन करने भी आए हैं। माता शिकारी देवी मंदिर इकलौता ऐसा शक्ति पीठ है जहाँ पर कोई छत नहीं है। मंदिर का इतिहास पांडव काल से जुड़ा है, लेकिन मंदिर कमेटी के लोगों के मुताबिक माँ ने कभी मंदिर पर छत डालने की इजाजत ही नहीं दी। उस वक्त भी मतलब कोशिश की लोगों ने, जो यहाँ पहले कमेटी कमाटी में लोग थे उन्होंने बड़ी कोशिश की, माता से पूछा तो माता ने इनकार किया। यहाँ जितने भी कार्य होते हैं माता से पूछ के ही होते हैं, अपने अपने आप तो यहाँ कमेटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब एक पत्थर नहीं लगा सकते जब तक माता ने यहाँ इजाजत नहीं दी। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा करने से शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ के आशीर्वाद से शरीर के जिस अंग का कष्ट दूर हुआ हो उसी अंग का चांदी का बना एक स्वरूप माँ को चढ़ाने की परंपरा है। चांदी का अंग चढ़ाते हैं, पांव चढ़ाते हैं, हाथ चढ़ाते हैं, पूरा बॉडी चढ़ाते हैं, जिसको भी जहाँ जिस किस्म की दर्द है उस किस्म की क्या नाम चढ़ाते हैं, चांदी की, कई सोने की चढ़ाते हैं। अगर किसी को आंख की दर्द है, आंखें अंधी अचानक अंधी हो जाए तो माता को मंत्र रखो और आंखें उनको मानो और फिर यहाँ जाके छोड़ो, माता के आंख के पास आंख लगानी और ठीक हो जाते हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से इस मंदिर में पूरे साल तापमान कम ही रहता है। गर्मियों में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ अपनी मन्नतें लेकर माँ के दरबार पहुँचते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि माँ अपने भक्तों की मुराद जरूर पूरी करेंगी। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीती रात सात समंदर पार से गुड न्यूज आई और गुड न्यूज भारतीय फैंस के लिए थी। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि बस उसके बाद हर कोई जश्न में डूब गया। न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक भारतीय फैंस जश्न में डूब गए। नोएडा से लेकर इंदौर तक जोश हाई हो गया क्योंकि एक बार फिर भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। ये जोश और ये जज्बा टीम इंडिया की शानदार जीत का है। इंडिया और पाकिस्तान में आपको सबको पता है, मौका 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 तो हम ही लेके जाते हैं ना, पाकिस्तान थोड़ी लेके जा पाएगा। वो तो मौका हमको चौका भी मार दिया ना, तो इंडिया इज इंडिया, भारत माता की जय। T20 में पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त देने के बाद से सभी की जुबान पर भारतीय टीम का नाम है। भारत माता की जय। इंडिया इस बार काब लेके ही रहेगा, इंडिया छोड़ के कोई नहीं काब लेना पाएगा। सात समंदर पार अमेरिका की सड़कों पर भारत माता की जयकारों की गूंज है। देखो बहुत अच्छा लगा आज का खेला और हरदीप के लिए मैं थोड़ा सा दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो हर्षदीप भाई इसी तरह और भी अपना प्रदर्शन देते रहो और हमारा इंडिया का नाम और बढ़ाते रहो। T20 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वो कर दिखाया है जिसे क्रिकेट में असंभव माना जाता है। कल भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान कई बाधाएं आई, पहले बारिश ने खलल डाला, फिर टीम इंडिया सस्ते में निपट गई। शुरुआत के 14 ओवर तक मैच पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन आखिरी 6 ओवर में चमत्कार हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने खासकर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। टीम इंडिया के इस बुलंद हौसले से उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार वर्ल्ड कप हमारा है। न्यूयॉर्क में टीम इंडिया की जीत के बाद फैंस स्टेडियम के बाहर भांगड़ा करते नजर आए, ढोल की थाप पर जमकर नाच गाना हुआ। दो हजार सात की जीत टीम इंडिया करेगी रिपीट और इसलिए टीम इंडिया के आगमन के लिए शुभ संकेत ये शंख नहीं है, हर जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। इस बार मैच भले
ही सात समंदर पार हो रहा हो। फैंस का उत्साह चरम पर है। महाराष्ट्र के पुणे में लोग इस सबसे बड़ी जीत पर झूमते दिखे। तिरंगा लहराते लोग टीम इंडिया की पाकिस्तानी टीम पर जीत से काफी खुश हैं। पाकिस्तान के ऊपर रहा है और जिंदगी भर पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब ने बंद करना चाहिए क्रिकेट क्लब, 120 भी उनको होने पाया। फालतू टीम है, उन्होंने बंद करना चाहिए क्रिकेट पूरा, क्रिकेट बोर्ड ही बंद करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में टीम इंडिया की जीत के बाद बड़ी संख्या में फैंस सड़कों पर उतर आए। सड़कों का यह नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। फैंस की भीड़ कहीं आतिशबाजी करने में जुटी थी तो कहीं नाच गाना हो रहा था, और कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर तिरंगा रैली निकालते भी दिखे। बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही, बुमराह अर्शदीप की बॉलिंग बहुत शानदार रही। इस जीत का हम हमेशा जश्न मनाते हैं आज बड़ा पर। हमारे इंदौर की परंपरा है कि भारत जब भी जीतती है और जीत का जोरदार माता आप देख सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद फैंस का जोश हाई लेवल पर पहुंच गया है। हालांकि अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है, लेकिन नारा बस एक ही है, वर्ल्ड कप हमारा है। न्यूयॉर्क से विक्रांत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और पाकिस्तान के खिलाफ आपको बता दें जीत के हीरो अर्शदीप भी रहे, जिन्होंने मैच का आखिरी ओवर फेंका। जी हां, न्यूयॉर्क में मैच के दौरान अर्शदीप के माता पिता भी स्टेडियम में मौजूद थे। मैच के बाद उनके माता पिता से बात की हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता ने। यार एक अमेजिंग इंडियन जीत, आखिरी ओवर किसने फेंका था? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप कौन है? साडा बेटा। साडा बेटा, इंडिया का बेटा। ये अर्शदीप के पेरेंट्स हैं। विक्रांत गुप्ता, इनको जानते हो आप? आप इनको जानते हो? ये अर्शदीप के पापा और मम्मा है। ए तो इनके पैरों में हाथ लगा के आशीर्वाद लो। ये अर्शदीप के पेरेंट्स मतलब कमाल है। गुड विशेस है। आई एम श्योर सेलिब्रेशन पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, बट माँ से ज्यादा कौन प्राउड है? पाजी, जब लास्ट ओवर अर्श डाल रहा था, किसी स्टेज पे आपको लगा? पाजी की आवाज, मैं कहता हूँ किसी स्टेज पे डिड यू फील कि यार ये ना हो कि मैच इधर से उधर चले जाए? नहीं, सफिशिएंट रहा। जो बुमराह जी ने ओवर किया तो जो लास्ट 10 ओवर जो 30 रन सी के, फिर भाई हिंदी और सराज जी ने अच्छा ओवर किया, उसके बाद बुमराह ने तो बुम बुम कर ही दिया। तो लास्ट ओवर में शायद अबाउट 80 रन चाहिए थे। तो अभी तक का जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा है कि अर्शदीप ने काफी बार इंडिया को विन कराई है, इवन IPL में भी। तो हमें पूरी उम्मीद थी और परमात्मा की कृपा से जो है हम उसको बहुत अच्छा। आप बताओ, आपके लिए तो क्रिकेट ना एक तरह से मुझे पता है वो सजा ही हो जाता होगा जब इंडिया का मैच है। अर्शदीप है, आप गुरुद्वारे मंदिर बैठते रहते होगे सारा दिन? मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी उस टाइम, बहुत फास्ट चल रही थी। और मैं उसकी बॉलिंग नहीं देखी मैंने लास्ट ओवर, ये आंखें बंद की हुई थी। बाद में मेरे से पूछे थे क्या हुआ ग्राउंड में भी आपने आंखें बंद की हुई? बताओ यार कैसे पेरेंट्स हैं, बड़ा आप अंदाजा लगाओ। हम लोग तो क्रिकेटर्स को लेके बात इतनी करते हैं, माँ बाप का क्या हाल होता है। बट ये जीत, इसके अलावा आपने और कितने ऐसे मैचेस देखे हैं जहाँ अर्श ने ऐसे जाके मैच जिताया हो? मैदान में ऐसा IPL के दो तीन मैच है ना जो मुंबई में, IPL नहीं बाजी, इंडिया इंडिया का जो अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 नंबर कितने सेव करने थे उसमें सेव किया था। यार आपके बेटे ने कमाल किया, सभी का पूरे देश का बेटा है। सारे फैंस हैं, शाम आती है और रोज चाय की महफिल भी सजती है, लेकिन हमारी जैसी नहीं सजती होगी। रोज चाय की मुलाकात का ये एक घंटा हमारे साथ जो गुजरता है वो कैसे निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता। बिल्कुल ठीक बात है, चाय, खबरें और हमारी गप्पे, वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। अच्छी खबरों वाली चाय के हमारे शो की खासियत ही ये है, आपको तरोताजा कर देती है। जैसे खुशियों की कोई कीमत नहीं होती, वैसे ही हमारी ये चाय भी अनमोल है, क्योंकि एक प्याली चाय चेहरे पर मुस्कान ला देती है। बिल्कुल, तो रहिए तरोताजा, और तरोताजा करने वाली चाय लेकर हम कल शाम फिर आएंगे 5 बजे चाय पर चर्चा में। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।